जी अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उसामा शेख फ्रॉम पाकिस्तान फ्रीलांसर्स क्लब। और आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, मेरा ख्याल है कि वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम दिया, और मेरी एक रिक्वेस्ट पे आपने मुझे कहा कि चलो ठीक है, बहुत शॉर्ट नोटिस पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड। कोई नहीं सर, सबसे पहले तो देखिए, टेलीमार्ट को तो पाकिस्तान में आज वाहिद ही बंदा होगा जो कि ना जानता हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको टेलीमार्ट की जर्नी नहीं पता कि टेलीमार्ट स्टार्ट कैसे हुआ था। तो आई वुड लव टू रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यार टेलीमार्ट जो बेसिकली स्टार्ट हुआ ना, तो वो एक बड़ा एक रैंडम सी चीज थी जो हुई हमारे साथ, और उसके बाद हमने सोचा यार कुछ बिजनेस करना चाहिए। मेरे फादर का एक चलता फिरता बिजनेस था, काफी सालों से मेरे फादर काम कर रहे थे एज अ फाउंडर चेयरमैन उस बिजनेस में। वो बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटीज हुई, फिर कोर्ट जाना पड़ा, पार्टनर्स के फड्डे आपको पता है हो जाते हैं। तो हमने सोचा मैं घर में बड़ा हूँ, तो मैंने सोचा कि यार व्हाई नॉट, अब मैं जो है कुछ नया स्टार्ट करूँ, कुछ नया बिल्ड करूँ। मैंने जिंदगी भर फोन्स देखे हैं, मैंने बचपन से सिर्फ फोन्स देखे हैं कि फोन्स ही फोन्स थे हर जगह मेरे लिए ना। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट हम फोन्स पे ही काम करें। लेकिन फोन की होलसेल जो है ना, वो बड़ी एक अजीब सी फील्ड है। आपको पता है वहां सदर में आपने देखा होगा जिस तरह के लोग होते हैं, कि वहां पे आपको मजा नहीं आता फोन की होलसेल करने में, और एक नई जनरेशन के लिए एक बड़ी ऑफ सी जो है ना वो चीज है। तो हमने सोचा कि यार व्हाई नॉट हम उसको किसी और तरीके से बिल्डअप करें। मैं जब फोन की होलसेल कर रहा था, तो मैं उस टाइम पे जितने ऑनलाइन स्टोर्स थे अवेलेबल, जिसमें दराज, केमू, होम शॉपिंग, सिम्बायोस, तो इन सब का मैं वेंडर था। तो मैंने सोचा यार जब मैं इनको एज ए जी वेंडर देख रहा था, तो बड़ा वो डिफरेंट सिनेरियो था। प्लस मैं एक ई कॉमर्स बायर भी हूँ उससे पहले से। तो जब मैं ई कॉमर्स बायर हूँ और मैं बाहर के सारे ऑनलाइन स्टोर से खरीदता था, मैं लोकल नहीं खरीदता था किसी से भी। तो मैंने फ्लिपकार्ट से भी खरीदा हुआ है, मैंने अमेजोन से खरीदा है, अमेजोन के डिफरेंट रीजन से खरीदा। इसके अलावा मैंने सूक होता था उस टाइम पे, सूक से खरीदा। तो मैं सारे जब ऑनलाइन स्टोर से बाहर खरीदता था, वहां का यूजर एक्सपीरियंस, वहां वो जिस तरह काम कर रहे हैं, उनके यूआई यूएक्स हर चीज, प्लस यहाँ पे जिस तरह एक ऑनलाइन स्टोर को चला रहे थे जिनका मैं वेंडर था, तो मैंने सोचा यार यहाँ पे स्पेस अच्छी है, वाई नॉट हम इसमें पेनिट्रेट कर जाए। तो फिर जो है हमने इसको बिल्डअप किया टेलीमार्ट को। मैं कल ही जो है इत्तेफाक से टेलीमार्ट की पहली वेबसाइट देख रहा था जो हमने 2013 में बिल्डअप की थी। एंड मैं उसको देख के अच्छा लिटरली हंस रहा था कि यार वो ऐसी वेबसाइट थी कि आज हम उसको देख के हंस रहे हैं। वो इतना अजीब सी टोन, अजीब से ग्राफिक्स, और लेकिन हमने उस टाइम पे बिल्ड किया। हमने सोचा यार कि उस टाइम पाकिस्तान में ई कॉमर्स बहुत नया था रिलेटिवली, तो हमने सोचा यार कुछ नया बिल्डअप कर लेंगे, कुछ हो जाएगा। एंड उसके बाद जो है वो 2013 ऑनवर्ड प्लानिंग स्टार्ट हुई, प्लानिंग फेज बड़ा अच्छा था। 2014 में फिर मई में जो है टेलीमार्ट को लॉन्च किया गया, और इसके बाद से हमने चीजों को रिवैम्प किया, चीजों को अंडरस्टैंड किया। जाहिर सी बात है एक जर्नी होती है, ऐसा नहीं होता कि आप पहले दिन चीजें सीख जाते हैं। तो उसमें हमने रिवैम्प करते गए करते गए करते गए, उसके बाद जाके आज जो आप फेज देखते हैं टेलीमार्ट का, तो टेलीमार्ट अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, लारावेल बेस्ड टेक्नोलॉजी। आप जाहिर सी बात है आईटी को समझते हैं, कोर लेवल से जीरो से जो है हमने वो टेक्नोलॉजी को खुद बिल्ड किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में जितने बड़े ऑनलाइन स्टोर्स हैं, तो हमने उसकी टक्कर की जो है वो चीज बनाने की कोशिश की है। लेकिन जाहिर सी बात है वो जर्नी जो 6 8 साल अल्हम्दुलिल्लाह होने वाले मई में, तो 8 साल की हाँ जर्नी सर, बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत अच्छी जर्नी रही है, और बहुत चीजें सीखी हैं, बहुत ठोकरें भी खाई हैं, बहुत लोगों ने अपने असली साइड दिखाए हैं, असली फेसेस दिखाए हैं। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा, जितना हम चाहते थे हमने अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छा ग्रो किया है। और एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के लिए जो रिटेल डिवीजन भी साथ चलाता हो, ओमनी चैनल हो, तो उसके लिए जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है कि वो इतना लंबा टाइम सरवाइव कर सके। तो 2 3 साल बड़े क्रूशल होते हैं इनिशियल एक मार्केट प्लेस के लिए। अगर वो उसमें सर्वाइव कर जाता है तो वो जो है वो आगे भी काम कर सकता है, अगर वो उस फेज को सर्वाइव नहीं कर पाया तो नॉर्मली शट डाउन हो जाता है। तो वो चीज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बीच में 8 सालों में अल्लाह ने बहुत कामयाबी दी, अल्लाह ने बड़ा हाथ पकड़ा हमारा। जो है मेरी कंपनी को माशाल्लाह टेलीमार्ट को 10 ग्लोबल अवार्ड मिले, मुझे पर्सनली 9 ग्लोबल अवार्ड मिले, 2 हमें नेशनल अवार्ड जो है माशाल्लाह दिए गए। फिर 2019 में जो है वो फोर्ब्स की लिस्ट में आया माशाल्लाह 30 अंडर 30 में।
तो एक के बाद एक अलहमदुल्ला बैक टू बैक अचीवमेंट्स भी बहुत सारी लगी, लोगों ने बड़ा सराहा। क्योंकि देखिए हम उस प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि जो आप अपने लिए पसंद करते हैं अपने भाई के लिए पसंद करते हैं, तो हम एज ए कस्टमर बहुत ज्यादा चीजें सोचते हैं। मैं एज ए कस्टमर सोचता हूँ, कल मैंने यूआई का एक भंड निकाला हमारी वेबसाइट में, मोबाइल वेबसाइट में, कि यार मैं एज ए कस्टमर इसको देख रहा हूँ तो मुझे बुरा लग रहा है, एज ए बिजनेस मैं देख रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे वो चीज बेचनी है, या एज ए कस्टमर मैं उसको देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा ऑफ लग रहा था। मैंने बोला यार इसको हम टेक डाउन करते हैं, हम इसको इस तरह रिवैम्प करेंगे। तो एज ए कस्टमर आपको चीजें सोचनी पड़ती है। अलहमदुल्ला जर्नी वॉज वेरी अमेजिंग, लेकिन हम ये समझते हैं कि जितना हम अचीव करना चाहते हैं, आज शायद हमने उसका 1% अचीव किया है, और इनशाला विजन बहुत बड़ा है और विजन को लेके नो इनशाला ताला चलना चाहते हैं। डाउट, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा अहमद भाई, मैं आपको देखता हूँ माशाल्लाह, आप जिस तरीके से स्टार्टअप्स को और जो इंडिविजुअल यंग इंडिविजुअल्स होते हैं उनको किस तरीके से हेल्प कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हमने एक पोर्टल बिल्ड किया है फॉर द फ्रीलांसर्स। तो मैं चाहूँगा आप एज अ एंटरप्रेन्योर या एज अ एक कंपनी के ऑनर, आप मुझे ये सजेस्ट कीजिएगा कि हमने आप लोगों के लिए ये पोर्टल बनाया, ऑब्वियसली उस पर फ्रीलांसर्स तो हैं, अपने स्किल्स और अपनी एक्सपर्टीज के साथ वो वहाँ पे मौजूद है, लेकिन उनका वहाँ पे सिर्फ मौजूद होना ही काफ़ी नहीं है। आप जैसे लोगों की मेंटोरशिप, आप जैसे लोगों की लीडरशिप, आप जिस तरीके से लोगों को दूसरों को बता रहे होते हैं, तो मुझे चैलेंजेस भी आपसे पता करने कि आपको एज अ एंटरप्रेन्योर क्या चैलेंजेस आते हैं। देखिए आईटी अगर स्पेसिफिक कहें तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला हमारी पूरी टेक्नोलॉजी अपनी बनी हुई है। अब जाहिर सी बात है जब आपकी अपनी टेक्नोलॉजी होती है तो उस पर इंटीग्रेशन हैं, दूसरी चीजें हैं, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है टाइम, क्योंकि वो आप प्लग एंड प्ले नहीं चल रहा, शॉपिफाई नहीं है, प्लग एंड प्ले कर दिया आपने ये चीज लगा दी, या मेजेंटो में भी आपको पता है प्लगइन्स आते हैं भरपूर हर चीज के, तो हमारे केस में वो चीज नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है आपकी टूवर्ड्स जो आपके आईटी के लोग हैं। तो हमारी अपनी भी जो टीम है वो भी कितनी दफा फंस जाती है कुछ चीजों में। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम बहुत सारे फिर आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो हमने ऑनबोर्ड रखे हुए हैं इस तरह कि जहाँ पे हम फंस जाते हैं तो वो हमें गाइड कर रहे होते हैं, हमारे डेवलपर्स को गाइड कर रहे होते हैं। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि देखें अगर फ्रीलांसर भी आप हैं तो एक तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म अप्रोच ना हो कि यार मैं एक बिजनेस को एक दफा में ही वो बकरा हलाल कर दिया और आप फारिग हो गए, कि यार मैंने एक प्रोजेक्ट उसको दिया, मैंने अपने काम पूरे कर लिए। नॉर्मली आपको होना ये चाहिए कि आप इस तरह का काम करें कि वो बिजनेस या वो इंडिविजुअल आपसे सारी जिंदगी काम करवाना चाहे और वो आपको रिकमेंड भी करना चाहे। एग्जैक्टली देखिए रिकमेंडेशन सबसे बड़ी होती है कि वो इतना अच्छा काम उसको लगा कि उसने रिकमेंड किया। मैंने बहुत सारी कंपनीज को मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार इससे काम करवा लो, इससे काम करवा लो, सही है वो ग्राफिक डिजाइनर हो कुछ भी हो। अब मेरे ग्राफिक डिजाइनर ऐसे भी रहे जो मेरे पास से काम छोड़ के चले गए। आपको पता है ग्राफिक डिजाइनर की भी सिमिलर कम्युनिटी होती है आईटी की तरह कि जहां पे वो फ्रीलांस जरूर करते हैं, चाहे वो जॉब पे हो कुछ भी कर रहे हो लेकिन वो रात को बैठ के फ्रीलांस जरूर करेंगे। तो मैं उनको, मेरे यहाँ से लड़का छोड़ के गया है, मुझे उसको रिकमेंड नहीं करना चाहिए। यूं आप देखें तो एज ए बिजनेस मैं सोचूं तो यार मेरे मुझे एक बंदा छोड़ के चला गया, मैं उसको रिकमेंड क्यों करूं। मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ, मेरे पास आज भी वो लड़के आते हैं, कल भी वो लड़का आया हुआ था एक ग्राफिक डिजाइनर, तो वो खुश था, कह रहा है यार अहमद भाई आपने इतने सारे माशाल्लाह क्लाइंट्स दिए, तो क्या आप काम अच्छा करें और वर्ड ऑफ माउथ को जनरेट करना शुरू करें कि लोग आपको रिकमेंड करना शुरू करें। देखिए फाइवर है, अपवर्क है, इस तरह के जो इदारे हैं वो क्यों कामयाब है, वहां पे उनका कंट्रोल इन प्लेस है। अगर आप भी कंट्रोल इन प्लेस रखते हैं कि अगर किसी क्लाइंट को किसी भी फ्रीलांसर से कोई दुश्वारी होती है तो एक म्यूचुअली उसको आप बैठ के आर्बिट्रेशन करते हैं। देखिए इसको भी आर्बिट्रेशन ही कहते हैं ना, कि आप उसके मसले को हल करने की कोशिश करें ताकि वो दोनों खुश रहें। ऐसा ना हो कि आप फ्रीलांसर को पूरा दबा दें क्लाइंट के चक्कर में, या आप क्लाइंट को पूरा जब दबा दें फ्रीलांसर के चक्कर में, क्योंकि आपने बोला है फ्रीलांसर की वजह से जाना शुरू हो जाएंगे। तो एक बड़ा आपको ऐसा ग्राउंड बनाना पड़ता है कि जहाँ पे आप दोनों को सपोर्ट कर रहे हो। इस तरह के नॉर्मली जो है ना कम है पाकिस्तान में इदारे के जहाँ पे आपने फ्रीलांसर्स को एक कम्युनिटी बना के दे दी है। तो ये लोग नॉर्मली क्या करें, फाइवर अपवर्क पे ही वहां पे ही चले जाते हैं कि इंटरनेशनल इदारे हैं हम वहीं पे अप्लाई कर लेते हैं, वहीं पे हम काम करेंगे। पाकिस्तान में इस तरह की चीजें कम है। कुछ लोग मेरे पास भी आए थे जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे इस तरह की चीज बनाने के लिए, लेकिन वो आईटी से रिलेटेड नहीं था, वो बड़ा वो ग्राफिक डिजाइनर और फोटोग्राफर्स और उस साइड पे मीडिया साइड पे जा रहे थे, वो मीडिया प्रोफेशनल्स थे। तो होता ये है कि इसमें आपको बड़ा कोर से जो है ना स्ट्रक्चर आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए जहां पे आप लोगों को बता रहे हो, प्लस देंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आपके आपके प्लेटफॉर्म पे है क्यों, क्योंकि वो काम करना चाहता है। सही है, वो एग्जैक्टली काम करना चाहता है। आपको उसको काम देने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको काम देने के लिए बिजनेसेस से कनेक्ट कराना पड़ेगा। तो आपके पास बिजनेसेस ऑन बोर्ड होने चाहिए। अब मेरे लिए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहां पे मैं काम कराना चाहता हूँ। देखिए ऐसा बिजनेस जरूरी नहीं होता कि आप बड़े भले इन हाउस कर रहे हो, मैं इन हाउस करता हूँ काम,
आउटसोर्स नहीं करता नॉर्मली चीजें, लेकिन अगर मेरे पास जब चीजें आ रही होती है ना, ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं कि जहां मैं बोलता हूँ यार ये मुझे करना जरूर है, लेकिन मेरी आईटी टीम बहुत ऑक्यूपाइड है, मैं नहीं, तो मैं भी फ्रीलांस काम करवाता हूँ बहुत सारे, सही, बहुत सारे मेरे काम होते हैं। अब मेरे पास मेरा अपना स्टूडियो है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे काम आ जाते हैं जहां मैं फोटोग्राफर को हायर करता हूँ, मैं कहा तुम कर लो काम, मेरे पास टाइम नहीं है यार। तो होता है क्या कि ऐसे आपके जैसे प्लेटफॉर्म उस टाइम पे काम आते हैं, और अगर वहां पे उनकी अच्छी रेपुटेशन बन जाती है, तो हो सकता है कल यही लोग जो फ्रीलांसर हैं कल मीडिया हाउसेस बनाना शुरू कर दें, या आपके केस में वो टेक फर्म्स बनाना शुरू कर दें, कि जहां उनको लगता है मेरे पास, और नॉर्मली हुआ भी यही है, आपने देखा होगा फाइवर अपवर्क से उनको काम मिलना शुरू हुआ, अकेला बंदा काम करता था, दो की टीम, पांच की टीम, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते होंगे शायद, जिन्होंने 50-50 लोगों की टीम हायर कर ली है। जी, पूरे पूरे सॉफ्टवेयर हाउसेज उन्होंने खोले जी। और वही चीज अगर आप पाकिस्तान में चीजें बनाना शुरू कर दें, तो बहुत बड़ा स्कोप है पाकिस्तान में, पाकिस्तान छोटी मार्केट नहीं है आज। अगर फ्रीलांसर में देखें ना, तो दो तीन, आपने दो तीन अगर रिपोर्ट देखी हो जो रिसेंट आई थी, तो कोई कहता है कि सेकंड लार्जेस्ट आपकी फ्रीलांसर कम्युनिटी है पाकिस्तान में, और कोई कहता है थर्ड लार्जेस्ट फ्रीलांसर कम्युनिटी है। जब और देखें पाकिस्तान में यही चीज है जिसको भी आप कैश कर सकते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है वो अगर आप देखें तो वो इंडिया उसको डोमिनेट कर गया है, तो बैंगलोर जो है सेकंड लार्जेस्ट आईटी हब है दुनिया का, तो वो आईटी में जब डोमिनेट कर गया, तो आप फ्रीलांसर्स में डोमिनेट कर लें, फ्रीलांसर्स डी एंड पे आईटी तो कर रहे हैं, तो अगर आप एक जगह पे सेकंड लार्जेस्ट हो चुके हैं, आप उसको फर्स्ट आपको उसको लार्जेस्ट पे आना चाहिए, और उसके बाद आप उसको रिटेन करें पोजीशन को, क्योंकि दुनिया में कोई इसको ले ना सके। और आप जैसे इदारे हैं, अगर वो तरीके से इस तरह ही काम करते रहेंगे जहाँ पे दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, क्लाइंट के लिए भी बेनिफिशियल हो, फ्रीलांसर के लिए भी बेनिफिशियल हो, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा पेनिट्रेट कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू अहमद भाई। एक बड़ा अलमिया है हमारी इंडस्ट्री का, बच्चे ने स्किल सीख ली है, आया उसने इंस्टीट्यूट से सीखी है या किसी ऑनलाइन पोर्टल से सीख ली है, अब वो मार्केट में आ गया, उसने ना कहीं इंटर्नशिप की है ना कोई इसको प्रोफेशनलिज्म है, ठीक। अब वो आ गया, जी मुझे काम चाहिए, अब उसको काम कौन दे? काम तो आपको, मतलब आपने सिर्फ अभी सीखा है, आप ऐसे बच्चों के लिए क्या मोटिवेशन है? यार देखिए, मैं हमेशा एक बात समझता हूँ कि आपका भी एज अ वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो उसमें ऑनबोर्डिंग प्रोसेस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डे एंड पे होता, अब मेरे केस में क्या होता है, मैं वही कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं, सही है। आप एक फ्रीलांसर का मार्केट प्लेस बन रहे हैं, मैं प्रोडक्ट लेवल मार्केट प्लेस हूँ, सही है। अगर मैं किसी को भी वेबसाइट पे अलाउ कर दूं कि वो सेलर बन जाए मेरा, सही है, तो मेरा तो दिवालिया निकल जाएगा। क्यों? कस्टमर पता है क्या कहता है डे एंड पे, कस्टमर ये नहीं कहता सेलर की गलती है, कस्टमर कहता है यार ये टेलीमार्ट वाले ऐसे, सही है। तो डे एंड पे आपका नाम भी उसी तरह खराब होगा, कि जहां पे लोग आपको इस तरह बोलेंगे, क्यों आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस अच्छा नहीं था। और जो इस तरह के बच्चे हैं जो नया नया सीखते हुए आ रहे हैं, वो नया सीख लिया उन्होंने, वो पढ़ाई तो उन्होंने कर ली, उनको लग रहा है मैं कर भी लूंगा, उन्होंने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बना लिए, उनको लग रहा है मैं कर लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है अगर वो किसी अच्छी जगह या तो इंटर्नशिप नहीं कर रहे, या किसी अच्छे मेंटोर के साथ लग के काम नहीं कर रहे, तो उनके पास एक पोर्टफोलियो बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। अब वेबसाइट्स पे भी ये होता है, जिस तरह ग्राफिक डिजाइनर में होता है ना, कि वो ग्राफिक डिजाइनर है या वीडियो वाले शोरील बनाते हैं, ग्राफिक डिजाइनर पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो आपके केस में भी आपने देखा होगा आईटी वाले भी जो है वो पोर्टफोलियो पे काम कर रहे होते हैं, तो अगर उनका पोर्टफोलियो ही अच्छा नहीं बना हुआ, तो जाहिर सी बात है अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। और जब आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो आप जैसा प्लेटफॉर्म उनको ऑनबोर्ड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि कुछ प्रोटोकॉल्स हमें और अप्लाई करने चाहिए। बेसिकली हम बिल्कुल कर बिल्कुल भी यही रहे हैं कि हम प्रोफाइल के अंदर वो कुछ सेगमेंट्स डाल रहे हैं कि भाई जो आया हमारे पास जो फ्रीलांसर है वो किस लेवल का है, तो आप जैसे लोगों को उसको हायर करने में उसके पर आर वो कितना चार्ज कर रहा है, कितने प्रोजेक्ट्स वो डिलीवर कर चुका है। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ है कि लोगों को काम लेने में बड़ी दुश्वारी होती है, मतलब प्रोजेक्ट विन करने में, हंटिंग करने में उनको बहुत मसला आता है। ये कहाँ, किस चीज़ का गैप है? मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई गिग्स, कोई सेल करने वाली कोई ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है जिधर आपको प्रोडक्ट सेलिंग सिखाया जाए कि आप प्रोडक्ट को मार्केट कैसे कर सकते हो। आया, आपने स्किल्स तो सीख लिए, चलो भाई ठीक है, आप बहुत से फुल स्टैक डेवलपर हो, आप काम कहाँ करोगे एज अ फ्रीलांसर? देखिए, मेन चीज पता है क्या होती है, मैं कहता हूँ आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको सेल्स वाला होना जरूरी है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो। अब प्रॉब्लम क्या होता है, अब आप देखें, अगर सिर्फ आपके नहीं, बहुत सारे अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सही है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंटरव्यू कर रहे होते हैं ना, उसके पाँव कांप रहे होते हैं, क्यों? उसने कभी भी पढ़ना सीखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि मैं अपने आप को बेचूं किस तरह। मुझे काम आता है, मुझे सिस्टम दे दो, मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, लेकिन उसको बेचना नहीं आता अपने आप को, तो आप अपने आप को भी तो बेच रहे हैं ना।
आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैं एज एन एंटरप्रेन्योर, मैं आपको अभी अपने आप को बेचूंगा ना, मैं आपको जो इंट्रो दिया है तो मैं अपने आपको बेच रहा था ना यार कि मैं इतना अच्छा हूँ, सही है? तो वो पता कैसे चलेगा दुनिया को कि मैं अच्छा हूं? तो अगर आप एक सेल्समैन नहीं है तो आप कोई भी काम दुनिया में नहीं कर सकते। तो हमेशा होता है कि मैं आपको बताऊं, बीबीए वाले एमबीए वाले कामयाब क्यों होते हैं पता है क्यों? उन वो जो 40 जो 60 कोर्सेज पढ़ रहे हैं ना, 60-70 कोर्सेज पढ़ रहे हैं, उसमें हर कोर्स में वो उनको जो है एक वो कोर्स दिया जाता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है, जिस प्रोजेक्ट में वो आके प्रेजेंट करते हैं, वो टीचर को और 40 बच्चों को कायल कर रहे होते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और मुझे आता है और मैं इस कंपनी में गया था, यूं होता है यूं होता है, तो उसको बेचना सिखाया जाता है। उसके बाद अब बीबीएम, मैंने एमबीए किया है, सही है? बीबी एमबीए वाले बच्चे को आप बिठा दें, मुझे बिठा दें, चांद को देख के आपको 1 घंटा बात करनी, चांद के मुताबिक मैं आपको बात करके दिखाऊंगा, सही है? वो रीजन क्या है कि उसने अपने आप को बेचना सीखा, उसको ये पता है कि मुझे किसी भी चीज से बात को ड्राइव कर लेना है, सही है? तो यही चीज अगर आपके टेक वाले लोग सीखे, अभी होता है क्या, मेरे भी डेवलपर है ना, वो डेवलपर अपनी बात को नहीं बता पा रहे होते मैंने क्या किया है, वो उनको जीरा पे आप ले जाए वो बता देंगे ये टास्क हो गया, सही है? वो जीरा पे ले जाए वो टास्क हो गया है, लेकिन वो ये समझा नहीं पा रहा। फिर हमें क्या होता है, हम उसको दिखा रहे होते हैं, फिर एक सेल्स वाला उनके साथ बैठा होता है जो उनको बताता है कि देखो तुमने ये किया है, तुमने वो किया है और कंपनी ने अब तुम्हें ये टास्क दिया है। तो हर जगह सेल्स होना जरूरी है, आप अपने आप को बेचेंगे, मैंने काम किया है, मेरे पोर्टफोलियो में लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं अपने आप को बेच नहीं पा रहा तो यूजलेस है वो सारी चीज। तो हमेशा आप एज अ सेल्समैन सेल्स जरूर सीखें, सही है? और पर्सनल, वो पर्सनल सेलिंग है ना, मैं अपने आप को बेच रहा हूँ कि यार मैं हूं, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। अगर आप वो अपने इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाए, आपको किसी कंपनी ने बोला कि हाँ आप क्या क्या काम करते हैं, लेकिन आप उसके सामने जाके इस तरह बैठे जैसे वो एक बिल्ली बैठी हुई है, भीगी बिल्ली, और डर रहा है, सही है? तो आप कभी काम नहीं कर सकते। आप देखिए जितने सारे लोग कामयाब है टेक स्पेस में, वो सारे लोग कितना अच्छा बोलते हैं, अगर वो अच्छा बोलेंगे नहीं तो वो अच्छा काम नहीं कर सकते, सही है? मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो मुझसे ज्यादा काबिल होंगे, मुझसे ज्यादा काबिल होंगे, मुझसे ज्यादा उनका वो होगा, लेकिन हमें बोलना आता है, हमारा उनका डिफरेंस सिर्फ ये है, सही है? वो लोग काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन बोलना नहीं आता, फिर वो क्या करते हैं, वो कंपनियों में भी पीछे जाने शुरू हो जाते हैं। एक ऐसे मालिक भी होंगे, सीईओ होंगे कंपनीज के, जिनको बोलना नहीं आता तो वो कभी आपको किसी भी टेक इवेंट में नहीं दिखेंगे, हालांकि काम हमसे ज्यादा नहीं अच्छा नहीं कर रहे होंगे, सही? तो वो होता ही है कि आप अगर फाइवर पे हैं या आपके ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं, कहीं भी हैं, तो आपको अपने आप को बेचना आना चाहिए, कि आपको डील क्रैक करने के लिए बेचना है। और वो जो आपने जो अपना इंट्रो बनाया होता है ना, किसी भी आपने अगर आपने वो देखेंगे उसने पोर्टफोलियो तो डाला हुआ है, जो आपने इंट्रो बनाया हुआ है, अगर वो इंट्रो इतना सेंसिबल नहीं है या इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि कोई इसको पढ़ना ही ना चाहे, तो आपने वहीं पे अपने आप को किल कर दिया है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर आपको क्या लगता है क्या पोटेंशियल है पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स कम्युनिटी का? जैसे आपने बताया कि बांग्लादेश जो है वो डोमिनेट कर गया है। कोई बात नहीं, देखें अगर एक मुल्क डोमिनेट किया है ना, तो मैं ये कहता हूं कि हर चीज के पीछे उसकी मेहनत होती है, हर काम के पीछे उसकी मेहनत होती है। तो अगर हम, मैं तो सारी जिंदगी हम कुछ भी किया है ना, तो हम ये कहते हैं जो ज्यादा मेहनत करे अल्लाह उसे कामयाब कर दे, ठीक है? तो हमेशा होना भी यही चाहिए कि अगर उन्होंने मेहनत की है वो आगे निकल गए, ठीक है? आपके इंडिया ने मेहनत की है वो आपसे आगे निकल गया है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है उनको, उनसे लड़ने का, क्या मेहनत करना शुरू कर दें एज ए नेशन, आप मेहनत करना शुरू कर दें एज ए नेशन। आप सिर्फ ये जो देखें ये पेट्रोल के रेट और ये टमाटर का रेट और इन चीजों से अगर आप बाहर निकलना शुरू हो ना, देखिए नेसेसिटी जरूर है, इनको टाइम दें, बिल्कुल दें कि आप गवर्नमेंट से भी लड़ें कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है, मुल्क में महंगाई हो गई है, लेकिन अगर आप अपने कोर चीज जो है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं एज अ मुल्क, अगर आप उस चीज से आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन मिल गई इन सारे मसलों से, तो आप एज ए नेशन किल हो जाएंगे। तो उनको डोमिनेट करने का तरीका ये है आप मेहनत करें, उनको डोमिनेट करने का तरीका ये है कि आप जैसे प्लेटफॉर्म्स बनना शुरू हो, आईटी को जो समझने वाले काबिल लोग हैं वो आगे आए, वो आगे आके बोले कि यार हम आके हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हम चाहते हैं कि ये चीज पुश हो। देखिए आप जब एज ए, सबसे ज्यादा बुरी चीज क्या होती है किसी भी उसके लिए, वो होता है मॉब, ये मॉब से लोग घबराते हैं। आप एज अ मॉब जब एक सोसाइटी बन जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। तो आप मॉब बने टेक का, क्या आप बोले हाँ हम फ्रीलांसर्स हैं, हम काम करना चाहते हैं, हम मॉब हैं, हम इतने सारे लोग हैं, एक कम्युनिटी है, तो हम लोग ऑटोमेटिक पुश करना शुरू करेंगे, हम काम करना चाहते हैं लोगों से। देखिए बिजनेसेस बहुत सारे हैं जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको पता है एक डेवलपर की कॉस्ट महंगी होती है, डेवलपर महंगा होता है एक नॉर्मल बीबीए एमबीए सेल्स वाली रिसोर्स से, सही है?
तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, और छोटा बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो उनको आप जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, उनको तो चाहिए वो लोग जो यार पर आर पे या उन्होंने प्रोजेक्ट लेवल पे काम किया और प्रोजेक्ट बना के दे दिया। तो आप जैसे लोगों की तो यहाँ पे वो है, वो हम कहेंगे कि चांदी हो जाएगी अगर आप इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाए। तो आप इस तरह के प्लेटफॉर्म को पुश करें, आप गवर्नमेंट लेवल तक भी जा सकते हैं अगर आपके पास देंगे लोग है ना पीछे कम्युनिटी में, तो आप गवर्नमेंट को भी डे एंड पे डोमिनेट कर पाएंगे, आप हर वो चीज कर पाएंगे जो आप सर हम कर चाहते रहे हैं। हैं बेसिकली, हमने किया ये कि हमने इसके अंदर स्टेट बैंक को भी इन्वॉल्व किया, बिकॉज फ्रीलांसर्स का आपको पता है कि अगर इंटरनेशनली वो लोग काम कर रहे हैं या लोकली भी काम कर रहे हैं तो उनको पेमेंट्स के इश्यूज बहुत आते हैं, तो इसीलिए हमने स्टेट बैंक को इसके अंदर इन्वॉल्व किया है कि भाई आया अगर हम फ्रीलांसर्स कम्युनिटी को हेड कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक एसोसिएशन को, सो बैंकिंग सेक्टर हैव टू बी देयर। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप देखें ना, बाकी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से स्ट्राइप काम कर रहा है। स्ट्राइप आपको पता है कि वो पेमेंट बीच में होल्ड करके इसके बाद पार्शियल पेमेंट्स पे भी काम करता है। सही है, वो आपने मंथ और मंथ बेसिस पे पेमेंट करनी है, कब स्टॉप करनी है, कब क्या है। तो होता ही है, बैंकिंग सेक्टर हमेशा हमेशा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा जहां पे आप ई कॉमर्स या इंटरनेट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करें। तो फ्रीलांसर भी आप जो कर रहे हैं वो ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, कि मुझे ये चीज चाहिए या मुझे ये प्रोजेक्ट मैंने जाके बाय कर लिया किसी भी प्लेटफॉर्म से, अब वो वहां से दोनों का एक जो है वो रिलेशन बन गया। हम यही बेच रहे हैं, आप जो है वो सर्विसेज बेच रहे हैं, हमारे केस में हम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। आपकी आवाज कट गई थी। जी, मैं बस यही कह रहा था कि हम सिमिलर पेज पे ही हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही हो रही है। देखिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यही होती है कि कोई भी ऐसी कमिटमेंट जो आप एक प्लेटफॉर्म पे जाके कर लें। हमारे केस में हम जो है प्रोडक्ट्स बेचते हैं, आप सर्विसेज बेचते हैं, तो अगर हमारे लिए बैंकिंग चैनल हमारे इन्वॉल्व हो जाता है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं कि जहां पे वो आपको जाके मतलब कॉम्प्लीमेंट करता है वो आपके बिजनेस को, बैंकिंग चैनल जो। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं यू ऑलवेज इन काइंड, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि ये एक सेशन और ज़रूर लगाऊँ मैं आपके साथ। बिल्कुल, और मैं तो ये चाहूंगा कि अल्लाह आपको कामयाब करे, बस मेहनत करते रहे, और जब मेहनत करते हैं तो आमीन। मेहनत का सिला अल्लाह ही है। अल्लाह कहता है कि भाई जब मेहनत कोई करेगा तो अल्लाह उसको अल्लाह से अल्लाह को, तो जब आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह जरूर आपका हाथ पकड़ लेता है। बिल्कुल, बेशक सर, बेशक। और आप जैसे लोगों की जब तक मेंटोरशिप है तब तक तो और बारे नहीं आ रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल हाजिर हैं। देखिए, हमारा एक कोर रूल है कि हम ये कहते हैं, हम एक पाकिस्तानी होते हैं ना, हम डेढ़ पाकिस्तानी हैं, तो हम थोड़े से ज्यादा ओवर पाकिस्तानी हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता है, तो हम अगर हमारी जात से उसको फायदा हो सकता है तो क्यों ना हो, क्योंकि हमारी जात से अगर एग्जैक्ट फायदा उसको होगा, देखिए डे एंड आपका मुल्क ग्रो करेगा तो डे एंड पे हम सारे लोगों की मस्ती है। ठीक है, अगर आपका मुल्क ही ग्रो नहीं करेगा और मुल्क तबाही की तरफ जाएगा तो हम सारे लोग कुछ भी कर ले हम सारे लोग तबाह हो जाएंगे। तो हम सारे लोगों को बेशक, जब बिल्कुल शनाख्त इस मुल्क ने दी है, हर चीज इस मुल्क ने दी है, और मैं ये कहता हूँ मुल्क का कर्ज है हमारे ऊपर, जो आप और हम बैठ के ऐसे जनरेशन जो है उसको अदा करेंगे। हमारे बुजुर्गों ने तो दे दिया, वो कट गए, ट्रेनों में जल गए, अब हमारी तो बारी है कि अब हम लोग, हमें जलना नहीं है, अल्लाह का शुक्र ये ना करना है, हमारे लिए तो आसान है वो चीज, हमें सिर्फ मेहनत करनी है इस मुल्क को ग्रो करने के लिए बस। अहमद भाई, लास्ट एक चीज जरूर बताइएगा। आई एम सॉरी, मैं आपका थोड़ा सा और टाइम ले रहा हूँ। जी, कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू ये कि अगर एक बच्चे ने डेवलपमेंट सीख ली है तो वो डिजाइनिंग भी चाहता है कि मैं खुद करूँ, मार्केटिंग भी चाहता है मैं खुद करूँ। यहाँ पे मेरे हिसाब से आप क्या गाइड करेंगे, बिकॉज मेरे हिसाब से हर काम आप खुद नहीं कर सकते। देखिए हर काम आप खुद कर नहीं सकते, आप अगर एक अपने अच्छे अपनी वो उसके लिए समझ के लिए या अपनी लर्निंग के लिए कोई चीज आप सीखना चाहते हैं, सही है, तो आपने सीख ली बेसिक स्किल्स दूसरों की तो वो अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश ये करें एक फील्ड पकड़ के उसको इतना इंटेंस आप में नॉलेज हो कि लोग बोले यार ये चीता है इस फील्ड का। और उस देखें, टेक ऐसा एग्जैक्टली स्पेस है कि टेक डेली इवॉल्व कर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक ही चीज में घुसते रहें और आपके बाद एंड में जाके एक एंड आ जाए, एंड कभी भी नहीं आ सकता उसमें।
तो हर चीज इतने, अब आप सिर्फ ये देखें ना यार, टेक्नोलॉजीज हमारे सामने किस तरह इवॉल्व हुई है। मैं तो सिर्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करूं तो हर रोज कुछ ना कुछ इवॉल्व हो ही रहा होता है। आज ये वाली जो है चीजें ऑब्सोलीट हो रही हैं, कल वो वाली चीजें ऑब्सोलीट हो रही हैं, अब वो नई चीज ये आ रही है। अब आप एप्लीकेशन देखें, कहाँ एप्लीकेशन बनती थी, आज फ्लटर तक आप पहुंच गए, सही है। तो वो हर चीज चेंज होती जाएगी, इवॉल्व होती जाएगी। तो अगर आप एक प्लेटफॉर्म को, एक चीज को लेके बैठ गए, तो भी उसमें इतना लर्निंग स्पेस है, इतनी उसमें डेप्थ है कि आप उसको लेके अगर समझ जाते हैं ना, तो लोग देखें, मैं कहता हूँ जो ऐसा होता है ना कि अब जावेद निहारी है, सही है, तो लोग जावेद निहारी के पीछे जा ही रहे हैं, सही है। अब वो अगर जावेद निहारी ने कल चार और चीजें भी ऐड कर दी, लेकिन वो अपनी मेन कोर चीज से भिदक गया, तो जावेद निहारी उस दिन किल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सही है। ये बड़ी एक फूड लेवल एग्जाम्पल है, क्योंकि कराची वालों को फूड ज्यादा समझ आता है, सही है। तो इसलिए, एग्जैक्टली लेकिन वही है कि अगर आप टेक में भी यही चीज करें ना, कि अगर आप, मैं कहता हूँ, एंड्रॉयड डेवलपर थे, सही है, या आप एक ऐप डेवलपर थे, और अब आप जो है हर चीज जो है उसमें घुसना शुरू हो गए, आप बोले यूआई यूएक्स भी मैं करूंगा, बाकी चीजें भी मैं ही करूंगा, क्लाइंट को हैंडल भी मैं ही करूंगा, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, कुल्हाड़ी भी आप खरीद के लेके आए और फिर उस पर अपना पैर मार रहे हैं, सही। तो वो चीज ना करें, अपनी एक कोर जो है ना, वो चीज को समझें, आप में अगर वो एक चीज को लर्निंग स्पेस है, आप समझ चुके हैं एक चीज, बाकी चीजें लर्निंग के लिए बहुत अच्छी हैं, आप सीखें अपनी आपके अपनी मस्ती मजाक सपोर्टिंग के लिए। स्किल हाँ, जरूर हो सकते हैं वो। आपको पता होना चाहिए कि देखो यूआई यूएक्स वाले को आपने भेजा, बोला ये वाला काम यूं कर देना, सही है, तो आपको पता है कि उसको मुझे क्या टास्क देना है, कि वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। अब जैसे मैं एज अ बिजनेस ओनर जो है ना, बहुत सारी चीजें सीख के बैठा हूँ, सही है, मैंने काफी हद तक चीजें सीख ली हैं इस बिजनेस में। मैं वीडियोग्राफर भी हूँ, मैं एडिटर भी हूँ, मैं फोटोग्राफर भी हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, मेरी टेक्नोलॉजी को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता, सही है, वो भी हम पूरा दिन खेलते रहते हैं, तो मेरे लिए वो अच्छी चीज है। लेकिन एक डेवलपर को अगर मैं बोलूँ वो सब सीखना शुरू कर दे, तो वो अपना टाइम जाया कर रहा है, और प्लस वो अपने फोकस को लूज कर रहा है। क्योंकि देखिए, अब आप बताएं, एक मैं आपको एक और बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर एक बंदा एमबीए फाइनेंस कर रहा है, एमबीए फाइनेंस, और एक बंदा एसीसीए क्या हुआ है, एक कंपनी के लिए पता है अच्छी अच्छी रिसोर्स कौन सी है, वो एसीसी है या सीमा वाला बच्चा है, क्यों, उसने सिर्फ पढ़ाई डेडिकेटेड अकाउंट्स के लिए किया, सही है, तो मेरे लिए वो अच्छा है। एमबीए फाइनेंस में उसने क्या किया, चार कोर्स पढ़े, बाकी उसने 56 कोर्स जो है ना वो इधर उधर के पढ़े। तो होता सही क्या है। कि कोर्स जो आपकी वो रिसोर्स आप ढूंढते हैं ना एज अ कंपनी भी, तो आप ये ढूंढ रहे होते हैं यार ये इस चीज के लिए अच्छा है, ये इस चीज, अब हम काम करते हैं ना, हमें पता है ये लारावेल की टेक्नोलॉजी, वो बंदा है ये फ्लटर का बंदा है, सही है, हम दोनों को आपस में मिक्स नहीं करते हैं, और ये यूआई यूएक्स वाला ये इसी पे काम करेगा बस। तो बस हमेशा अपनी कोई एक कोर फील्ड जरूर चुने, ताकि आपकी कोर वैल्यू हो, वरना बोलेंगे, अब आप खुद सोचे ना, मैं बोलूंगा ये सब करता है, ये कौन सा बंदा होता है, ये कोई बंदा नहीं होता, सही, कंपनी आपको बताएगी मुझे इस चीज के लिए बंदा चाहिए, वो ये नहीं बोलेगी मुझे हर चीज के लिए बंदा चाहिए, हरफन मौला तो कोई भी नहीं होता ना, तो वही मसला है। तो अगर आप कोर चीज एग्जैक्टली पकड़ते हैं, तो आप आगे बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, और सारे लोग वही कामयाब, नॉर्मली ज्यादा हमने ज्यादा देखे, वो ऐसा नहीं है कि वो कामयाब नहीं हो सकता, तो ये हमने जो ज्यादा लोग कामयाब देखे, वो एक कोर उसको बिजनेस को पकड़ के चल रहा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका, और नेक्स्ट कोई सेशन इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके साथ। जरूर इंशाल्लाह, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह।